निगम भिलाई द्वारा लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्य सड़क किनारे कोका भेलवा तालाब के पास निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ते द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर तोड़फोड़ दस्ते की टीम ने एक जेसीबी और एक डंपर के माध्यम से मौके पर तीन ट्रिप मुरुम को जब्त किया तथा मार्ग संरचना को ध्वस्त किया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि भेलवा तालाब के पास खसरा नंबर 66 की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग किया जा रहा है, जहां लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की। मौके पर अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी निगम ने तोड़ दिया। अवैध प्लॉटिंग करने वाले WM वैद्य को निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम ने नोटिस में लिखा है कि अवैध प्लॉटिंग के संबंध में जवाब देवे, संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देने की दशा में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ निगम ने रजिस्ट्रार कार्यालय को भी उचित कार्रवाई करने पत्र प्रेषित किया है। देखिए, अवैध प्लॉटिंग को लेकर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कोका भेलवा तालाब का मामला है और यहाँ पे जो अवैध प्लॉटिंग करता है उसके द्वारा अवैध बिल्डिंग का निर्माण भी किया जा रहा था। निगम की जब टीम पहुंची तो अवैध निर्माण को भी उन्होंने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग के क्षेत्र से मुरुम जब्ती की कार्रवाई की है। इसके अलावा जो है जो अवैध प्लॉटिंग करता है उसकी पहचान करके उनको नोटिस जारी किया गया है। साथ ही स्टार को भी पत्र लिखा गया है उचित कार्रवाई के लिए। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है अवैध प्लॉटिंग को लेकर, वो निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए टीम पहुंची थी और टीम ने जो है अपने नेतृत्व के सामने जो है वो कार्रवाई की है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाना प्रारंभ कर दिया है, जिसका असर अब साफ नजर आने लगा है और आगे भी इसी तरह अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई लगातार की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।